खालिद भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? आवाज आ वालेकुम रही? अस्सलाम सर। बहुत बहुत जी जी शुक्रिया आवाज आपका, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। मेरा ख्याल है रोशन भाई भी ज्वाइन करेंगे और इकरा और फयाज भाई को भी मैंने कहा था कि वो भी, बस थोड़ा सा शॉर्ट टाइम है और हमारे पास भी छुट्टी का दिन है, तो मेरा ख्याल है आप भी बिजी होंगे अपने उसमें। आपके पास अभी रात के तकरीबन 9 बजने वाले हैं, हमारे पास दिन के 12 बजने वाले, 11:41 हुए, तो वो थोड़ा ट्रैवल भी है, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलें थोड़ा सा। जाहिर है लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कि क्यों नहीं आपने आज, वो बस एक बनी हुई है ना कि एक हमारे ये लाइव सेशंस वगैरह एक लोगों के लिए जरिया है इन्फॉर्मेशन का भी, और साथ साथ फिर जो एक एनालिसिस होता है वो भी, तो और भी टॉपिक्स होते हैं उस पर भी कोशिश होती है। खालिद भाई, जो क्वेश्चन है आज मैंने रखा है सबके सामने, एक तो खैर मैं चाहूंगा कि आपने जो अभी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, एक बहुत ही यूनिक आपने बताया कि सिंध के एरिया में, आई बिलीव दादू के एरिया में शायद, या उसमें आप खुद बताइएगा कि वहां पे एक ऐसा गांव है कि जिसमें मुसलमान हिंदू सारे किस तरीके से मिलजुल के रहते हैं, वो एग्जांपल आप बताइए ताकि लोगों को पता चले कि जो सीमा हैदर का प्रोपेगेंडा है, एपी सिंह का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान में ये होता है, वहां पे जो है ना बस सिवाय जो है ना वो एक दूसरे की मार कुटाई के कुछ नहीं होता, तो गलत प्रोपेगेंडा है, आप उस पर बताइए। फिर मैं सवाल आगे करता हूँ, वो ये है कि क्या सीमा हैदर की फैमिली गुलाम हैदर को इस हवाले से हेल्प कर रही है, जो कि लगता है ऐसा? जी, ये उदेरोलाल दरगाह के नाम से मशहूर है और बेसिकली ये इंटरफेथ हार्मनी का एक वेल सेटल्ड एग्जांपल है इवन इन सब कॉन्टिनेंट में। ये ऐसी दरगाह जी, ये एक मंदिर है और सिर्फ एक वॉल है, उसके बाद यानी एक ही कॉरिडोर में मंदिर भी है, मस्जिद भी है और दरगाह भी है। और मेरा पर्सनल यहाँ पे विजिट हुआ, मैं एक वीडियो भी इंशाल्लाह मैं जल्दी अपलोड व्यूअर्स को दिखाऊंगा। तो इस हवाले से यहाँ पर जो, क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम की है और जो मंदिर है उनमें भी जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो मैनेजर हैं मंदिर को जो मैनेज करते हैं, उनके एनुअल होते हैं, मेले वगैरह लगते हैं, तो वो भी मुसलमान ही है और मुस्लिम आर द रियल प्रोटेक्टर ऑफ द इवन टेम्पल ऑफ द नॉन मुस्लिम। तो सीमा तो, और सीमा तो मेरी नजर में सर ये है कि सीमा इतनी पढ़ी लिखी है नहीं, उसको साइड पे रखें और एपी सिंह को जवाब देना जरूरी है क्योंकि वो अपने आप को डॉक्टर भी कहता है और सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी कहलाता है। तो एपी सिंह साहब आपको यहाँ पे उदेरोलाल आना चाहिए और ये ऐसा मिसाल आप इंडेड ऑलमोस्ट 5 times बिगर देन पाकिस्तान बाय लैंड एरिया, लेकिन ऐसी एग्जांपल दिखाएं उदेरोलाल दरगाह की कि कहीं पर भी इंडिया में ऐसी कोई मस्जिद और मंदिर एक साथ हो। बिल्कुल ऐसे जबरदस्त। अच्छा, इसमें जी बिल्कुल, जो इंटरफेथ हार्मनी है उसकी बहुत ज्यादा कोशिश होती है पाकिस्तान में भी, सबको पता है कि एक जाहिर है रिलीजियस सेंटिमेंट लोगों में होता है, लोग एक दूसरे की मुखालफत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन देखिए एज अ सोसाइटी तो नहीं है ना, फनेटिक्स हर जगह पे मौजूद होते हैं सर, हर जगह पे उनकी कोशिश होती है कि वो अपने मकासद के लिए जो है ना वो हर कार्ड खेलें, रिलीजन कार्ड भी खेलें, पॉलिटिकल कार्ड भी खेलें, रेसिज्म का कार्ड भी खेलें, हर जगह पे ये काम होता है। बिल्कुल आपकी बात मैं इसे अग्री करता हूँ, लेकिन ये देखा जाएगा कि जो 95% सोसाइटी वो क्या कहती है, और इस पे हमने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि कराची में इतने ज्यादा हमारे वो हैं, दोस्त हैं सारे जो हिंदू से धर्म से हैं, क्रिश्चियन है, सब कुछ है, उनके हवाले से कोई उनके पार्लियामेंट में मेंबर्स हैं, ठीक है जी, और वो बात करते हैं अपनी, ठीक है, वो उनका अपना तरीका कार है जिस भी हवाले से हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये तो खैर शुरू से ही एक झूठा प्रोपेगेंडा है। इसमें खालिद भाई आप ये बताइएगा कि जो सीमा हैदर की सिस्टर की तरफ से अभी कुछ ये बताइएगा कि सीमा हैदर की सिस्टर की तरफ से भी एक वीडियो आई है जिसमें उसने बताया है कि वो जो सीमा हैदर नमाज पढ़ती थी वो सारी चीजें दिखाई और उन्होंने कहा कि वो गुलाम हैदर का भरपूर साथ देंगे और ये जो झूठ बोल रही है सीमा उसको वो हर जगह पे वो कहेंगे, और उनके लिए जाहिर है ये बहुत बड़ा इशू भी है कि क्या नाम है उसका कि कोई उनके ऊपर भी, उनके किरदार के ऊपर भी बातें उठ रही हैं, लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या सीमा हैदर की जो फैमिली है वो गुलाम हैदर की हेल्प कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, साथ साथ इसमें क्या इसकी कोई सिग्निफिकेंट होगी इनके लिए अपने जो है हमारे गुलाम हैदर भाई हैं? जी जी डॉक्टर, बेसिकली मेरी नजर में यह है कि
पहले सवाल पर आ जाए कि सीमा के जो मजहबी है या उसको नमाज पढ़ते देखा गया, इसके हवाले से मैंने एक वीडियो भी अपनी एक अपने व्यूअर्स को दिखाई थी जिसमें कि ये था कि सीमा को से एक जो इंडियन जर्नलिस्ट है वो सवाल पूछ रहा है और प्राइमरी प्राइमरी क्वेश्चन थे, यानी कि मुसलमान के लिए प्राइमरी क्वेश्चन है कि कलमा तैयबा आता हो और नमाज इनमें कितनी हो, नमाज में सना सना पढ़ी जाती है, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं आती, तो इन सब सवाल के सीमा जवाब न दे सके। तो मुझे उस वक्त इस लेवल पर पता चला कि मजहबी तौर पर भी ये काम पर खड़ी है और जो लॉजिकली भी देखें तो ये काम पर खड़ी है। बेसिकली डॉक्टर मुझे इस तरह में आ रहा है कि अपने एक बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए शायद ये इंडिया गई है, और क्योंकि ये जिस माहौल में रही है ज्यादातर फिल्में इंडियन ड्रामा, तो ये इंडियन कल्चर ही अडॉप्ट कर चुकी थी मेंटली तौर पर, तो अभी तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इन्होंने वो शामिल कर दिया है मेरी नजर में ये। और दूसरी बात ये कि सीमा के जो पेरेंट्स हैं वो हैदर की हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और मसला ये है कि वो खुद सीमा को डिस्करेज कर रहे हैं क्योंकि उनकी सिस्टर भी डिस्करेज कर रही है, इवन सीमा का जो भाई है जो आर्मी में भी है तो वो भी डिस्करेज कर रहा है सिस्टर को कि ये एक चीप एक्ट किया है सीमा ने, इवन अगर जो कर भी दिया तो ठीक है लेकिन मुल्क के खिलाफ और इवन इस्लाम के खिलाफ भी वो अभी तक एक गंदी जबान इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमने शुरू से कहा, देखिए खालिद भाई हमारा इसमें बिल्कुल क्लियर कट एक यूं समझे के पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि देखिए सीमा अडल्ट है, वो जो कुछ मर्जी कर सकती है, उसके कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो जो उसका अपोजिट है, वो अगर अकेली होती सब कुछ करती दैट्स ओके, यू नो अब भी कर ले कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका जो बेटर हाफ है जो गुलाम हैदर है वो सबसे रिक्वेस्ट करता फिर रहा कि भाई मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मेरी आवाज बनिए, मेरी आवाज उठाइए, और उसके जो बच्चों के हवाले से उसके जो सेंटिमेंट्स को वो हर्ट किया जा रहा है, उसकी किरदार कुशी की जा रही है, बल्कि अब तो रोशन अजीम की किरदार कुशी शुरू होगी क्योंकि वो हेल्प कर रहे हैं उनकी क्या नाम है गुलाम हैदर की। तो इसमें जो बात बनती है वो यही बनती है कि आपकी बात ठीक है कि वो अडल्ट है, वो जो मर्जी करे, हु केयर्स, ठीक है, लेकिन इन बच्चों के हवाले से उसको चाहिए था कि कोई ना कोई तरीकाकार इख्तियार करके और लीगल वे इख्तियार करके वो करती, ऐसे ही है ना जी, क्योंकि 50% बच्चे उसके हैं तो 50% दूसरे के भी हैं, और यहाँ पे देखा ये जाएगा कि फॉल्ट पे कौन है, ठीक है, वो तो सीमा ने खुद सारा कुछ किया ना, और अब वो इसको जस्टिफाई करने के लिए वो पता नहीं कभी कोई इल्जाम, कभी कोई इल्जाम, और एपी सिंह भी वो इल्जाम, और फिर जी वो इंडिया को वो बिल्कुल करें, हम इंडिया बेहतरीन मुल्क है, इसमें कौन सी वो है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो है ना वो पाकिस्तान की का बेड़ा गर्क करके ही जो है ना वो अपने मकासद हासिल कर सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये यही मसला है हमारा भी, हमारे हम मेरा बल्कि तमाम पाकिस्तानियों का, तमाम पाकिस्तान सीमा से रिलेटेड, उनको सीमा से कोई भी गर्व नहीं है, हमें सिर्फ मसला ये हमारे मुल्क को और हमारे दीन को हमारे मजहब को लछड़ा जाए, हमारा ऐसा इमेज नहीं, हमारा पाकिस्तान में अगर देखें जो मोब वायलेंस होते हैं एज कम्पेयर टू द इंडिया बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ही होते हैं, लेकिन अब आ जाए सचिन के सीमा के बच्चों के हवाले से, डॉक्टर वो मसला ये है कि वो बायोलॉजिकल फादर है और सीमा और हैदर अली की दो बच्चियां हैं, डॉक्टर आपको ज्यादा होगा क्योंकि चाइल्ड अब्यूज जो चाइल्ड अब्यूजर है वो बेसिकली बच्चे के नजदीक ही रहता है, और सच्चे एक बालिग भी है, एडल्ट भी है और बायोलॉजिकल फादर भी नहीं है, और दो बच्चियां भी रह रही हैं, हमें नहीं पता ये आगे अल्लाह न करे बच्चों का बच्चों के साथ कुछ हो, लेकिन ये कंसर्न हमें है तो फादर को क्यों नहीं होगा, तो वो ऐसा वो बेचारा इसीलिए वो ज्यादा परेशान है, उसकी परेशानी बढ़ाते। बिल्कुल ऐसे, और देखिए मैं वही बात है ना कि हम नहीं चाहते कि इसमें वो सारी वो चीजें हों जो कि जाहिर है इनको आपस में, हमारा तो ये शुरू से यही है कि ये कोई वो नहीं है, प्यार मोहब्बत की कहानियां सब कुछ होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो इशू ये है कि दो लोगों का आपस का मसला था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि अगर ये काम किसी भी
किसी हिंदू के बच्चों के साथ होता कि उनको चार बच्चों को इस तरह करके वो कर दिया जाता, पाकिस्तान में अगर ये काम होता तो हर बंदा इसके खिलाफ होता। और इसकी हम पहले आपको एग्जांपल्स दे चुके हैं, ये जिब्रान नासिर साहब ने एक बच्ची थी आरजू राजा के नाम से, बड़ा मशहूर केस हुआ था वो भी, आपको पता होगा खालिद भाई, आपके कराची और इस सिंध का ही था वो। आरजू राजा जो लड़की थी वो क्रिश्चियन थी, वो माइनर बच्ची थी, और वो एक मुसलमान ने उसको जो है ना अगवा किया, सब कुछ वो किया, उसका रिलीजन चेंज करवाया। पाकिस्तानी अदालतों ने पहले तो बच्ची माइनर उसको साबित किया, उसके बाद फिर उस बच्ची को, उस बंदे को सजा, मेरा मुझे नहीं पता क्या वो केस किस उस पे है क्योंकि ज्यादा हमने फॉलो नहीं किया, लेकिन इतना हमें पता है कि हर जगह पे उस बंदे के इस एक्ट के खिलाफ जो है ना वो आवाज उठी। और वो जो बच्ची अपने मुंह से बयानात भी देती फिर रही थी कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं जिससे प्यार करती हूँ मोहब्बत कर, जो कि एक तरीकाकार होता है इस तरह के जो चाइल्ड ग्रूमिंग करते हैं उनका तो। लेकिन पाकिस्तानी अदालतों ने, पाकिस्तानी सोसाइटी ने सख्त मुखालफत की और वो बच्ची अभी अपने पेरेंट्स के साथ है। तो देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर किसी हिंदू के बच्चों के साथ ऐसा होता, किसी हिंदू खातून के बच्चों के साथ ऐसा होता, तो सबसे पहले आप हमें उनके साथ खड़ा हुआ पाते कि भाई ये गलत बात है, ये सोसाइटी के हवाले से इस तरह का कुछ नहीं होना चाहिए और इसको कंडेम करना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। बेसिकली अभी इंडिया में होता क्या है कि मजहब कार्ड खेला जाता है जी। और कहा और ब्लेम हम पर लगती है पाकिस्तानियों पर के ये मजहब कार्ड खेलते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं दूं, जनवरी 2023 में हाल ही की बात है कि एक हैदराबाद, मेरे डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से एक लड़की जाती है इंडिया में, मुलायम सिंह यादव नामी शख्स को कन्वर्ट करके वहां पर मुसलमान करके बेंगलुरु में, और फिर वो वहां पर शादी करती है। लेकिन तो इंडिया ने डिपोर्ट कर लड़की को पाकिस्तान। अब डिपोर्ट क्यों किया, हालांकि माँ की तरह वो इलीगली पाकिस्तान में नहीं आई, इंडिया में नहीं गई थी, वो लीगली इंडिया में गई थी और मुलायम सिंह को उसने कन्वर्ट करके मुसलमान किया था, इसीलिए वो डिपोर्ट की गई। इलीगली इंडिया में भी आई पर क्योंकि खुद कन्वर्ट हो चुकी थी बच्चों समेत, इसीलिए उनको शेल्टर दिया गया है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। और इसमें